यार मैंने ट्रीट जब भी करने की कोशिश करी हर बार लॉस ही बुक किया है। एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अब मेरा इंट्यूशन ट्रेड कर करके इतना स्ट्रांग हो गया है ना कि मुझे पता है कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है और कब निकलना है मार्केट से। यार टेक्निकल एनालिसिस तो मैंने भी सीखी है और उसी हिसाब से ट्रेड करता था, पर फिर भी इतना लॉस क्यों होता था। क्या ये आपके और आपके दोस्त की भी लाइफ स्टोरी है? वेल, आज हमें पता चलेगा सुरेश की विनिंग स्ट्रैटेजी का सीक्रेट, जो शायद उसे भी नहीं पता होगा। सुरेश और रमेश के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में डिफरेंस सिर्फ इन दोनों के अलग माइंडसेट का है। जैसा कि मार्क डोगलस की फेमस बुक ट्रेडिंग इन द जोन में भी लिखा है। मार्क डोगलस, जो वन ऑफ द ट्रेडर मेंटर है, एक बार 1981 में शिकागो गए और मेरिल लिंच में ब्रोकर बनने के बाद सिर्फ 9 महीने के अंदर अपनी सारी सेविंग खो दी। ये एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उनको अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस एक्सपीरियंस से उन्होंने दो बातें सीखी। पहला, ट्रेडिंग में प्रो होने के लिए आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। एंड दूसरा, कि डर, ओवर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन की कमी जैसे और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बेस्ट ट्रेडिंग प्लान्स को भी बिगाड़ सकते हैं। डोगलस ने अपनी सारी लर्निंग्स को कंपाइल करके इस ट्रेडिंग इन द जोन बुक में लिख दिया। यहाँ पर डोगलस ने 5 ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ्स बताए हैं। रमेश, अब आओ चलो हमारी ऑडियंस के साथ साथ तुम भी इन 5 बातों को समझ जाओ, ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड ना तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है। मार्केट कभी भी किसी भी वक्त किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डोगलस ने अपनी बुक में इस केस के सिनेरियो के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है। उनके पास एक ट्रेडर हेल्प मांगने आया था। डोगलस बताते हैं कि ये इंसान एक बहुत ही अच्छा मार्केट एनालिस्ट था, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, पर एज अ ट्रेडर इसने ना हमेशा लॉसेस ही देखे थे और ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के स्टेज पर आ गए थे। अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए ये ब्रोकरेज फर्म में टेक्निकल एनालिस्ट की पोजीशन पर काम करने लगा। एक दिन वो अपने बॉस, जो एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर था, उसके साथ सोयाबीन मार्केट देख रहा था और अपने एनालिसिस के बेसिस पर मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स को समझा रहा था। एनालिस्ट कॉन्फिडेंटली बोलता है, मार्केट इस एक पॉइंट पर आकर रुकेगा और वापस ऊपर जाएगा। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये उस दिन का लोएस्ट पॉइंट होगा। बॉस ने उसको देखा और सिर्फ एक चीज पूछी, सच में? देखो अब। फिर उसने फोन उठाया और अपना ऑर्डर दिया, 2 मिलियन शेयर्स सेल करो। ऐसा बोलने के विद इन 30 सेकेंड्स मार्केट 10 सेंट्स और गिर गई और एनालिस्ट शॉक में रह गया। इस इंसिडेंट से एनालिस्ट ने मार्केट का एक सच तो जान लिया था कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है। सेकंड पॉइंट, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें मार्केट का हर एक मूव पता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक बात को समझने की जरूरत होती है, वो ये कि ये सारा खेल है प्रोबेबिलिटीज का। फॉर एग्जाम्पल, समझो कि तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो। अब इसमें कभी कभी तो तुम जीतोगे और काफी बार तुम हार भी सकते हो, है ना? पर अगर तुम हर गेम के साथ अपने मूव्स को इम्प्रूव करते जाओगे और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्लान कर लोगे, तो ओवरऑल तुम्हारे विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्रेडिंग भी ऐसी ही एक एक्टिविटी है। तुम्हें यहाँ पर हर एक मूवमेंट का पता नहीं होता है, पर तुम हर स्टेप के साथ साथ स्मार्ट प्लान करते रहते हो। थर्ड पॉइंट, हर ट्रेड का रिजल्ट रैंडम होता है। कुछ ट्रेड्स आपको विनिंग साइड में लेके आ सकते हैं और वहीं कुछ ट्रेड्स ऐसे भी होंगे जो आपको लूजिंग साइड में ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉइन टॉस में हेड और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है। कभी हेड्स आता है तो कभी टेल्स। अगर तुम्हें 5 बार हेड्स देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार भी हेड्स ही आएगा, है ना? ट्रेडिंग में भी वैसा ही होता है, कभी जीत कभी हार, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही तुम्हारा साथ देगी। फोर्थ पॉइंट, ट्रेडिंग में एज होने का मतलब है कि तुम्हारे पास प्रॉफिट्स होने के बेटर चांसेस हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी जीत गारंटीड है। तुम्हें ये समझना होगा कि एज सिर्फ प्रोबेबिलिटी को बेटर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कार्ड्स खेल रहे हो और तुम्हें गेम की पूरी नॉलेज है, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट? पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर बार हर गेम में ही जीतोगे। एंड लास्टली, मार्केट का हर मोमेंट यूनिक होता है। यहाँ ये समझने वाली बात है कि कोई भी दो सिचुएशंस कभी भी सेम नहीं होती, चाहे वो कितनी ही सेम क्यों ना लगती हो।
जैसे कि अब तुम क्लाउड्स को जब देखते हो तो हर दिन वो एक जैसे ही दिखते हैं, बट इन रियलिटी हर टाइम वो डिफरेंट होते हैं। वैसे ही हर ट्रेड यूनिक होता है, क्योंकि हर टाइम नए लोग और नए सिनेरियोज मार्केट में होते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स के साथ मार्केट की परफॉर्मेंस भी वेरी करती है। अब इससे हमें ये समझ आता है कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, और इस बात को जितना जल्दी समझ सकते हो समझ जाओ। तुम्हें हर बार ना मार्केट से वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जो तुम चाहते हो, तुम बस अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अब हमने अभी तक मार्केट के बेसिक्स को तो क्लियर कर दिया है, तो चलो आओ अब हम रमेश के लिए थोड़ा और भला कर देते हैं। तो रमेश, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के 3 इम्पोर्टेंट स्टेजेस के बारे में, जो तुम्हें एक बिगिनर से सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ ले जाते हैं। ये स्टेजेस हर ट्रेडर को फॉलो करने पड़ते हैं अगर उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। सबसे पहले आता है मैकेनिकल स्टेज। इस स्टेज में हर ट्रेडर अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करता है। यहाँ तुम एक स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हो, जैसे किसी सिस्टम या टेक्निकल इंडिकेटर्स पर डिपेंड होना। मतलब हर ट्रेड सिस्टम के हिसाब से होता है, इमोशंस का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये तो बोरिंग लग रहा है यार, सिर्फ रूल्स फॉलो करते रहने हैं। हाँ रमेश, शुरुआत में ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसका मेन गोल है तुम्हें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिखाना। जब तुम बिना इमोशनल डिसीजंस लिए सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते हो तो तुम्हारे अपने ट्रेड्स पे भरोसा बढ़ने लग जाता है। लेकिन हाँ, इस स्टेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब लॉसेस हो तो लोग अपने बनाए हुए सिस्टम से हट जाते हैं। लेकिन जैसे एक बिल्डिंग की सबसे ज़रूरी पार्ट उसकी फाउंडेशन होती है, वैसे ही ट्रेडर की जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका बेस होता है। अगर तुम अपने सिस्टम को ट्रस्ट करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में ये स्टेज तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी का स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। क्योंकि देखो, जैसे जब तुम ड्राइविंग सीखने स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसके रूल्स को सीखते हो, है ना। लर्निंग का हर एक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले तुम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो बिना अपने जजमेंट डाले। अगर तुम पहली बार में ही बिना कुछ सीखे अपने हिसाब से कार चलाने लगोगे तो रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट। अब अगले स्टेज में तुम अपना अब तक का बना हुआ एक्सपीरियंस यूज करते हो। इसे कहते हैं सब्जेक्टिव स्टेज। इस स्टेज में तुम अपनी जजमेंट स्किल्स का भी यूज करते हो एंड साथ में अब तक के बनाए हुए अपने सिस्टम के रूल्स को भी फॉलो करते हो। इस स्टेज में पहुंचने तक तुमको मार्केट के मूड और बिहेवियर के बारे में पता होता है और तुम अपनी स्ट्रैटेजी को उसके ही हिसाब से फ्लेक्सिबल रखते हो। मतलब अब मैं अपनी जजमेंट्स के हिसाब से डिसीजंस ले सकता हूँ? बिल्कुल। इस स्टेज में तुम कोई डिसीजन लेने से पहले अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग का भी यूज करते हो। लेकिन बी कॉशियस, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है, क्योंकि ये स्टेज तुम्हें रिस्की डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकती है। अब जैसे कि जब तुम ड्राइविंग सीख जाते हो तो तुम ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से अपने एक्शंस को एडजस्ट करते हो। इन सब के बाद भी तुम अपने बेसिक ड्राइविंग रूल्स को कभी नहीं भूलते। अब आता है ट्रेडर रिवॉल्यूशन का लास्ट स्टेज, जिसे कहते हैं इंट्यूटिव स्टेज। यहां तक पहुंचने का मतलब है कि तुम अब एक प्रो बन चुके हो और तुम्हें अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर तुम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंस्टिंक्टिवली ट्रेड्स करते हो। मतलब इस स्टेज में मुझे सब कुछ नेचुरली समझ आने लगेगा। एग्जैक्टली। यहाँ तुम्हें हर डिसीजन लेना इजी लगने लगेगा, क्योंकि अब तक तुमने मार्केट को डेप्थ में समझ लिया है। अब तुम्हारे ट्रेड डिसीजंस ज्यादातर इंट्यूशन बेस्ड होते हैं, पर इस स्टेज में तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है। बिना सेल्फ कंट्रोल के ये स्टेज भी रिस्की हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस फाइनल स्टेज में नाउ यू आर लाइक एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर, राइट, जो बिना कॉन्शियसली सोचे गाड़ी चलाता है, क्योंकि अब उसके लिए गाड़ी चलाना बहुत ही नेचुरल बन चुका है। उसका दिमाग और बॉडी ऑटोमेटिकली ड्राइविंग नीड्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। चलो, मुझे ये तो समझ में आ गया है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बस मेरा एक सपना है कि काश मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिलते रहे। यार, तेरा कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर इससे पहले कि तू अपने गोल को पूरा करने की मेहनत स्टार्ट करे, मैं तेरी एक और मदद कर देती हूँ। तेरे लिए जरूरी है कि तू अपने माइंडसेट पर भी ध्यान दे, जैसा कि इस बुक में भी बताया है। इसके अकॉर्डिंग ना 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो हमेशा विनर रहते हैं एंड दूसरे वो जो चाहे जितना टेक्निकल एनालिसिस कर लें या मार्केट स्टडी के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर लें, वो फिर भी लूजर साइड पर ही रहते हैं।
इन दोनों ट्रेडर्स का माइंडसेट डिफरेंस को और डेप्थ में समझने के लिए चलो हम इस बुक को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहला है रिस्क को एक्सेप्ट करना। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रिस्क को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर ट्रेड में लॉस होने का रिस्क होता है और वो खुद को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। रिस्क को ऐसे ओपनली एक्सेप्ट करने की वजह से ये ट्रेडर्स बिना डर के रेगुलरली ट्रेड करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोबेबिलिटी में सोचना। इन लोगों को पता होता है कि हर ट्रेड में ना जीतने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर वो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में सोचकर चलेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। इसलिए ये ट्रेडर्स बस एक ट्रेड की हार से परेशान नहीं होते, बल्कि बड़ी पिक्चर को देखते हैं। थर्ड पॉइंट है जिम्मेदारी लेना। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, मार्केट या दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इन फैक्टर्स को ब्लेम करके उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसलिए अपना टाइम इसमें बर्बाद करने की जगह वो इन गलतियों से सीखते हैं और अपने नेक्स्ट ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इमोशंस पर कंट्रोल। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने इमोशंस की वजह से अपने डिसीजंस को इम्पैक्ट नहीं होने देते हैं। उन्होंने अपना माइंड और इमोशंस पर इतना कंट्रोल बना लिया होता है कि ना तो वो अपने ग्रीड के चक्कर में गलती करते हैं और ना ही डर कर कोई गलत स्टेप लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। विनर्स के पास मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक डेडिकेटेड प्लान होता है और चाहे जो हो जाए वो इस प्लान के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजंस को लेते हैं। जब भी मार्केट अप या डाउन होती है, ऐसे सिनेरियो में जहां बाकी लोग पैनिक में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, ये लोग काम रहकर बस अपने प्लान को फॉलो करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है खुद पे भरोसा। विनिंग एटीट्यूड है कॉन्फिडेंस के साथ हर काम करना। ट्रेडिंग गेम के हर एक विनर को खुद पर और अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा होता है। ये लोग अपने डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं। एक बार डिसीजन ले लेने के बाद ये बार बार ये नहीं सोचते कि यार इसका रिजल्ट क्या होगा, बल्कि वो अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपने नेक्स्ट मूव को प्लान करने में इन्वेस्टेड रहते हैं। ये तो था सक्सेसफुल ट्रेडर्स का माइंडसेट, बट अब ये भी जानना जरूरी है कि लूजिंग ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, आखिर उनका माइंडसेट क्या होता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट है रिस्क से डरना। एक ट्रेडर जिसने मार्केट में हमेशा लॉसेस ही देखे हैं, वो हर समय रिस्क को अवॉइड करने में लगा रहेगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलेगी कि यार कैसे वो ट्रेड के इस रिस्क को खत्म कर दे। अब ये तो आपको भी पता है कि रिस्क को ट्रेड से अलग करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और यही रीजन है कि लूजिंग ट्रेडर्स इम्पॉसिबल को चेस करने के चक्कर में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जिसका इम्पैक्ट उनके ट्रेड पर क्लियरली दिखता है। सेकेंड पॉइंट है सर्टेनिटी ढूंढना। लूजर ट्रेडर्स रिस्क से तो डरते ही हैं, साथ में वो मार्केट को प्रिडिक्ट करने की गलती भी कर देते हैं। ऐसे ट्रेडर्स अपनी सारी स्किल्स को अप्लाई करके मार्केट की प्रिडिक्शन करते हैं और उसके बेसिस पर ही अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। ऐसे केस में जब मार्केट उनके अगेंस्ट चलता है तो वो परेशान हो जाते हैं और पैनिक होकर ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है दूसरों को ब्लेम करना। अपने ट्रेड पर हर बार लॉस देखकर ये ट्रेडर्स काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं और अक्सर वो इस लॉस का सारा ब्लेम मार्केट या दूसरे फैक्टर्स पर डाल देते हैं। इस केस में ये ट्रेडर्स अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको कभी भी अपनी गलतियों से सीखने का मौका ही नहीं मिलता। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल रिएक्शंस। ज्यादातर लूजिंग ट्रेडर्स के बीच में आप एक सिमिलर पैटर्न देखोगे। ये सभी अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। कभी तो ये ज्यादा प्रॉफिट के लालच में केयरलेसली इन्वेस्ट कर लेते हैं एंड कभी लॉस के डर से अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। सबसे बड़ी गलती जो एक ट्रेडर कर सकता है वो है अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो ना करना। कभी ये लोग अपना प्लान फॉलो करते हैं, कभी नहीं करते, और अपनी स्ट्रैटेजी को कई बार बदलते भी रहते हैं। ऐसे ट्रेडर्स के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो जब इमोशनल हो जाते हैं ना तो अपने ही बनाए ट्रेडिंग रूल्स को इग्नोर कर देते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंस की कमी। ट्रेडिंग के लूजिंग साइड में आने का एक और सबसे बड़ा रीज़न है अपने डिसीजंस पर हमेशा डाउट करते रहना और ट्रेड में गलतियाँ करने से डरते रहना, और यही कॉन्फिडेंस की कमी उन्हें राइट अपॉर्चुनिटीज मिस करने पर मजबूर कर देती है। सेवेंथ पॉइंट है चेंज एक्सेप्ट नहीं करना। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, पर अक्सर लूजिंग साइड पर रहने वाले ट्रेडर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाते।
ऐसे जिद की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लास्ट पॉइंट है प्लानिंग की जगह रिएक्ट करना। जो हारने वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका कोई फिक्स्ड प्लान ही नहीं होता। ये मार्केट के साथ बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई ट्रेड बिना प्लान के डाल देना, सिर्फ ये सोचकर कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। इस इम्पल्सिव रिएक्शन की वजह से उनके रिजल्ट्स कभी कंसिस्टेंट नहीं होते और लॉसेस बढ़ते ही रहते हैं। याद रखो कि ट्रेडिंग के सफर में जितना ज़रूरी मार्केट को समझना है, उतना ही ज़रूरी है अपने आप को समझना। ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में सेट कर लो और याद रखो, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।